इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बल्दिया इंतखाबात यानी कि कॉरपोरेशन चुनाव हुए हैं। बेलगाम कॉरपोरेशन से अक्सर यानी कि एक अरसे से हमने देखा है कि मराठी भाषिकों का यानी कि मराठी जबान बोलने वालों का तसल्लुत रहा है, वर्चस्व रहा है। तो महाराष्ट्र एकीकरण समिति बेलगाम शहर की सियासत में एक अहम किरदार निभाते आई है, लिहाजा आज हमारे साथ मौजूद हैं शुभम शेड़के साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल सर। आज जो चुनाव हुए हैं सर, समिति ने दावा किया है कि वो 40 से भी ज़ायद उम्मीदवारों को देंगे, और हमने पहले भी देखा है कि मेयर यानी कि महापौर हो, उप महापौर हो, अक्सर मराठी उम्मीदवार जीत कर आते रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने भी दावा किया है कि हम भी 45 जीतेंगे, फिर दिगर पार्टियां भी सियासत में हैं और ये पार्टी के निशान पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो इस भीड़ में महाराष्ट्र एकीकरण समिति अपना वजूद कैसे कायम रखेगी बताइए। नहीं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जी, ये इससे पहले भी चुनाव लड़ रही थी। इस बार खाली उन्होंने सिंबल यूज़ किया है, मगर उनके उम्मीदवार इससे पहले भी इलेक्शन लड़ रहे थे जो पार्टी में काम करते हैं, और इसका कुछ इफेक्ट हमारे महाराष्ट्र एकीकरण समिति पे पहले भी नहीं हुआ था ना, और ना अब होगा। यहाँ पे लगभग जब से महापालिका अस्तित्व में आई है तब से महाराष्ट्र एकीकरण का समिति का ही वर्चस्व रहा है, और अभी भी हमारा ही मेयर महापालिका पे बैठेगा। एक अगर तारीख के औराक अगर पलट कर देखें तो सिवाय एक 5 मरतबा कन्नड़ मेयर छोड़कर बाकी तो मराठी का ही रहा है। तो अब जैसे कि गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, प्रोपोगंडे जो अक्सर भाजपा की जानिब से रहता है, तो अभी भी जो है MES और MIM इस तरह से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आप मुझे याद है कि आप महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जानिब से वहाँ पर मुजम्मिल हाकिम को जो है अपने समर्थन किया था। तो इस पर क्या कहेंगे, किस तरह की ये फिर से सियासत एक तरह की, क्या ये नफ़रत की सियासत यहाँ पर भी चलाना चाहते हैं? MIM किसके लिए काम करता है ये पूरा देश जानता है। बेलगाम में अभी तक ये नफरत की राजनीति नहीं हुई थी। भाजपा ने अपने स्टार प्रचारक ओवैसी को जानबूझ के बेलगाम में उतारा, जो उन्होंने देश भर में किया, जो ये अपना रिलीजन की और बाकी के जो नफरत फैला के उन्होंने जो वोट्स हासिल किए हैं वो बेलगाम में हासिल करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने जानबूझ के अपने आदमी ओवैसी को यहाँ पर लाया। MIM ये किसी का नहीं है, MIM भाजपा का ही BTM है, ऐसा मेरा दावा है। लेकिन जब सवाल पूछा गया, अभी हाल ही में आए थे तो सवाल पूछा गया कि क्या आप महाराष्ट्र एकीकरण यानी कि MIM और MES एक है, तो उन्होंने इस बात का इनकार किया था कि MIM ही है, MES से हमारा कुछ नहीं। तो ये नहीं, देखिए उनके बयान से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ना भाजपा के कोई बयान से हमको लेना देना है, ना उनके बयान से लेना देना है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति खुद के बलबूते पे लड़ने के लिए सक्षम है। आज कितने, अभी आज जैसा कि आज चुनाव हुए हैं तो कितने सीट इस बार आएंगे, क्या फिर से समिति का ही महापौर यानी कि मेयर होगा? देखिए पिछले 15-20 दिन से मैं पूरे बेलगाम का पूरा चप्पा चप्पा में घूम चुका हूँ। जो एटमॉस्फेयर लोकसभा बाई इलेक्शंस में था वही एटमॉस्फेयर है, लोगों के मन में है। अभी मैं आपको नंबर्स तो नहीं बोलूँगा, मगर मेयर महाराष्ट्र एकीकरण समिति का ही होगा। फिर क्या डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस से आपका गठबंधन हो सकता है बताइए? किसी भी नेशनलाइज पार्टी से हमारा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। हमारी ये जो लड़ाई है अस्मिता की लड़ाई, आपको अगर अस्मिता पता होगी तो उसकी लड़ाई है, और कोई क्या बोलता है उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा एक मेन मोटो, हमारा जो अंतिम ध्येय मराठी में हम बोलते हैं, वो महाराष्ट्र में शामिल होना है। ये करते हुए आज तक महानगर पालिका पे महाराष्ट्र एकीकरण समिति की एक 2-4 बार छोड़ा तो मेयर हमारा ही रहा है। उसके हिसाब से ही जो डेवलपमेंट है वो भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने ही किया है, और हमारी समिति ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की। जी, ये जो लोग कर रहे हैं ये गलत है, और ये लोगों को भी समझ में आ रहा है। जी, हमने भी बचपन से देखा है कि कभी बेलगाम शहर में काला दिन बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी धार भी घटती गई और लोगों के अंदर वो रुझान भी घटता है। लेकिन एक दोबारा
एक लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा है कि मराठी फिर से एकजुट होता नजर आ रहा है। क्या वाकई में आने वाले दिनों में भाजपा की साजिशों के जाल में फंसेगा मराठी शख्स, या फिर वो फिर से अपनी, जैसा कि शिवसेना का भी आपको समर्थन मिल रहा है, तो क्या यह तहरीक तेज़ होगी, यानी कि यह आंदोलन फिर से नए सिरे से शुरू होगा? बताइए। देखिए, शिवसेना का समर्थन अभी नहीं मिल रहा है। शिवसेना और एनसीपी पहले से ही हमारे साथ है, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, और ये जो ये एटमॉस्फेयर जो है, जब कोई भी एक लड़ाई युवा अपने कंधे पे लेते हैं तो उसका जो हम निर्णायकता बोलते हैं वो युवा पूरी करके रहते हैं। और अभी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के जो सोए हुए युवा जो रहा छोड़ के दूसरी तरफ गए थे, वो फिर घर वापस लौट रहे हैं, और इसका फायदा हमको होगा ऐसा हमको विश्वास है। सर, कर्नाटक सरकार की जानिब से हमेशा जेल भी हुई है, गोलियां खाए हैं, इस तमाम तरह चीज़ें हैं अपनी जगह पर। अब जो वजीर लक्ष्मण सऊदी ने फिर से जो है मराठी लोगों पर निशाना साधा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनकी ये पहले से आदत है या फिर एक नई सियासत को मोड़ना चाहते हैं? बताइए। देखिए, वो जो आदमी है लक्ष्मण सऊदी, उनको ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वो लोगों ने उनको चुन दे के उनको ये मंत्री पद वगैरह नहीं मिला है। एक तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से वो गिरे हैं, मुख्य बल गिरे हैं। एक गिरे हुए आदमी को वो डिप्यूटी सीएम पे बिठाते हैं, इससे ही साबित होता है। ये जो वो कुछ भी बेबुनियाद बयान करते रहते हैं, इनकी वजह से उनको वहाँ पे उस पद पे बिठाया गया है। उनको बाकी कुछ उनका काम ही नहीं है, खाली यहाँ पे आके कुछ बेबुनियाद बातें करने का और यहाँ पे कन्नड़ मराठी लोगों में आग लगाने का। इसके बलबूते पे वो डिप्यूटी सीएम तक पहुँच पाए। क्या सर, ये M+M वाला जो फार्मूला आपने नया निकाला है, क्या ये वाकई आगे जाकर कामयाब हो सकता है, तो किस हद तक? देखिए, महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कभी भी किसी जाति धर्म का द्वेष अभी तक नहीं किया है। जब हमारा ये संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना हुई, तब वहाँ समिति में हर पक्ष, हर संगठन के लोग काम करते थे। कम्युनिस्ट पक्ष से लेके तब जनसंघ के लोग तक हमारे साथ काम करते थे, और वही ट्रैक पे हम आज भी कर रहे हैं। हमने आज तक कभी नफरत की राजनीति नहीं की है। इन लोगों को एक प्रोपोगंडा बनाने के लिए इशू चाहिए था, और उनको वो इशू उन्होंने वो ढूंढने की कोशिश की, मगर हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दे दिया है। आप एक युवा नेता के तौर पर देखा जा रहा है आप, क्योंकि 1.25 लाख से भी ज़्यादा वोट लेना कोई मजाक नहीं है लोकसभा में, तो जो मेरा ये कहना था कि कुछ नौजवान, आपने जैसे अभी कहा कि कुछ हिंदुत्व की तरफ, जो एक उग्र हिंदुत्ववाद की तरफ जा रहे थे, तो क्या वाकई फिर पलट कर आएंगे? और महाराष्ट्र में जो जाने का एक ख्वाब मराठी शख्स देख रहा है एक ज़माने से, उसने ज़ख्म भी खाए हैं, दर्द भी है, आज भी उन ज़ख्मों से लहू टपक रहा है, तो क्या कि अस्मिता, जैसा आपने कहा कि अजमत के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये आगे चलकर वाकई ये मजबूत होगी और महाराष्ट्र के अंदर आपका ख्वाब पूरा होगा क्या? जी, मजबूत होगी नहीं, मजबूत हो रही है। और जो हिंदुत्व की बात आपने की है, हर आदमी को अपने धर्म पे गर्व रहता है। ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे मेरे धर्म पे गर्व है। राजनीतिकरण बता, मैं वही बोल रहा हूँ, उनकी हिंदुत्व की व्याख्या अलग है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको हिंदू स्वराज्य का संस्थापक बोलते हैं, उन्होंने 18 पकड़ जाति 12 बोलू थे जरा जिसको बोलते हैं, सब लोगों को साथ लेके एक जो ये देश के लिए जो किया था, उनके दिखाए हुए राह पे हम चल रहे हैं। इनका जो ये भाजपा का और ये इनके उनको उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका जो हिंदुत्व है वो दूसरों को गाली देने का और दूसरों की कमी दिखाने का, उनको टारगेट करके खुद को बड़ा बताने का, ये हमारा हिंदुत्व नहीं है। तो जिस तरह से आपने एक नौजवानों को एक सही राह पर ले जाने का जो आपने एक ख्वाब बताया है, उम्मीद करते हैं कि वो सही हो, तो उसके लिए कुछ नए मनसूबाबंदी यानी कि प्लान्स कुछ हैं क्या? कैसा है, जैसे वक्त बदल रहा है उस हिसाब से काम करना ज़रूरी है। अभी हमारे जो लीडर्स हैं वो लगभग अभी उनकी ज़िंदगी इस लड़ाई में गई है, तो उनको जो वो लिमिटेड जो थिंकिंग है वो अभी थोड़ी चेंज करके, जिस तरह से वक्त चल रहा है उस हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। और हम जो खास करके युवा लोग हैं, वो जो वक्त चल रहा है, जो वक्त की मांग है, उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा सर, समिति को लेकर कई सारे लोगों ने बड़ी ही खुलूस के साथ दर्द रखते हुए लड़ाई लड़ी, लेकिन इन्होंने कुछ लोगों ने जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनके लहू का सौदा करते हुए कुछ लोगों ने अपना भी फायदा करके लिया, और उसी वजह से समिति कमज़ोर हुई क्या सर? जिन लोगों ने
इस ये जो हुतात्मा जिनको हम बोलते हैं उनके बलिदान का फायदा उठाकर कुछ अपना स्वार्थ उन्होंने जो ये किया है वो उनका आज तक भला नहीं हुआ। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दी है तो उनकी जो भावनाएं हमारे साथ है। हम महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पाइक बोल के जब काम करते हैं तब हमको ही वो मतलब पता चलता है कि ये जो सैकड़ों लोगों ने जान दिए वो हमारे पीछे वहाँ पे वो देख रहे हैं हमको। जो भी हमारे ऊपर संकट आता है, जो भी हमको तकलीफ होती है, वो खुद ब खुद बाहर जाती है। और जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है वो लोगों को, ये जिन लोगों ने लहू बहाया ये हुतात्मे उनको नहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शुभम शेड़के साहब, इन्होंने जो आज चुनाव हुआ उस पर भी उन्होंने यही कहा कि पिछले कई मर्तबा महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी कि मराठी लोगों का तसल्लुत कॉरपोरेशन पर रहा है, फिर से इस बार मेयर जो है मराठी रहेगा, महाराष्ट्र एकीकरण समिति का रहेगा। फिर एक बात को भी उन्होंने वाज़े किया कि कभी भी समिति ने धर्म की, मज़हब की, नफ़रत की राजनीति नहीं की और सभी को लेकर आगे चलने की वो कोशिश करते रहे। हम भी दुआ करते हैं कि इनकी कोशिशें कामयाब हो। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।